हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चाउमीन, जो कि बच्चों के हिसाब से और बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, ये पानी उबल चुका है। इसमें डालेंगे हम ये नूडल्स, और नूडल्स को हम इसमें पकने देंगे। मैंने गैस के फ्लेम को तेज़ी रखा है। ये 4-5 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक करते रहेंगे बीच बीच में, और इन्हें उबलने के लिए छोड़ देंगे। और ये 8-9 मिनट कम से कम हो चुके हैं, 8-9 मिनट तक ही हमें पकाना है। ये इतने में ही उबल जाते हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम जो है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें छान लेंगे। हम इनको अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि इसमें जो मैदा रहता है चिपका हुआ, तो इसलिए हमें अच्छी तरह से धोना है। अगर हम इन्हें अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो ये हमारी चाउमीन जो है खिली खिली नहीं बनेगी, आपस में चिपकी रहेंगी इसलिए। और हम जो है अब इसमें 1 चम्मच तेल का डाल रहे हैं। धो के हमने ये रख दिए थे छन्नी को अलग, और 4-5 मिनट बाद डाल रहे हैं हम इसमें तेल। मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप अपने हिसाब से जो भी तेल लेना चाहे और कम ज़्यादा तेल को रख सकते हैं। ये सब्जियां ली है मैंने, इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, और ये पत्ता गोभी है। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें जब डालूँगी प्याज, और प्याज को हमें हल्का सोटे ही करना है, इन्हें गलाना नहीं है। अब हम इसी तरह से शिमला मिर्च भी डाल देंगे इसमें। शिमला मिर्च को भी हमें इसी तरह से करना है। कोई भी सब्जी जो है हमें गलानी नहीं है, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद डालेंगे हम जो है पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को भी हमें ऐसे ही मिक्स करना है। सारी सब्जियों को हम मिक्स कर देंगे। आप इनमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह, लेकिन मैंने इतनी ली है, और ये बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ मैं, तो मैंने सब्जी कुछ ज़्यादा ली है, क्योंकि चाउमीन के साथ साथ वो सब्जियां भी खा लेंगे, तो इसीलिए। अब मैं इसमें डालूँगी अपने बेसिक मसाले। मैंने नमक लिया है स्वाद के अनुसार, ये मिर्च ली है, और ये मैंने थोड़ा गर्म मसाला डाला है। इन्हें हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं ये काली मिर्च डाल रही हूँ, और काली मिर्च को भी हम सारा मसाले जो है मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो है हम अपने नूडल्स ले लेंगे, और ये नूडल्स जो उबले हुए हैं, और ये हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इन्हें मिक्स करना है कुछ इस तरह से। अब हम इसमें जो है इसी टाइम जो है सिरका डाल देंगे, और सोया सॉस भी डालेंगे, जिससे कलर आता है चाउमीन का। बस यही चीज़ जो है ज़रूरी है। और भी बहुत सारे मसाले आते हैं इसमें, लेकिन मैंने वो सब नहीं डालती हूँ। बच्चों के हिसाब से जब भी बनाती हूँ मैं, तो ऐसे सिंपल बनाती हूँ। और ये देखिए, ये सब मिक्स करना है हमें। इन्हें हम इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे सारे, ये आपस में देखिए, क्योंकि हर नूडल्स में ये जो मसाला पहुँच जाए। और ये देखिए, ये अब बन चुके हैं। इन्हें हम इसी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये अब रेडी हैं। अब जो है हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और ये 4-5 मिनट बाद हम सर्व कर रहे हैं गर्मा गर्म। और ये देखिए, इसमें मैंने सॉस भी डाल दिया है, और आप भी लीजिए। और आप बताइए मैंने कैसे बनाई है, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।